नाम यमुना मजीद है और मैं एक्सप्लोरेशन की फाउंडर हूँ। एक्सप्लोरेशन एक स्पेस एजुकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बच्चों में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही क्रिएट कर रही है। मुझे बस शुरू से ये था कि आई वॉन्ट टू फाइंड समथिंग, कोई प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से मैं पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी को ला सकूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यूनिवर्स अवेयरनेस के साथ, वो एक नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने अपनी टीनेज में उनको साइन अप किया था एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर। करंटली आई एम वर्किंग एज देयर नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनकी पाकिस्तान में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। एस्ट्रोनॉमी के लिए मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा जो हैपनिंग साइंस एक्सपेरिमेंट हो ना वो भी नहीं कर सकती, तो उसमें मुझे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं बच्चों को डिफरेंट फिनोमेना समझाने के लिए। पहले मैं अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके ये सारा काम करी थी, बट देन आई रियलाइज कि अच्छा नहीं, सस्टेनेबल बनाना है। देन आई वर्क विद सम अदर अमेजिंग लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से बिजनेस मॉडल बनते हैं, किस तरह आप एक सोशल एंटरप्राइज बना सकते हैं। अब बीइंग अ गर्ल आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड जो ऐसे ही लोगों ने कहते रहना कि वो तुम तो खलाई मखलूक हो, तुम यहाँ की नहीं हो और तुम ये नहीं कर सकती। आई वॉज इन ग्रेड 9 और पहला दिन था जब हमारी साइंस टीचर ने ही पूछा कि सब बच्चों से पूछा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैंने खड़े होकर उनको बोला कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, और जब मैंने ये कहा तो वो मेरे पर हंसी और बच्चे तो हैरान थे बिकॉज उनको यही नहीं पता था कि एस्ट्रोनॉट क्या होता है। तो मेरी टीचर ने पहले उनको बताया कि एस्ट्रोनॉट क्या होता है और फिर उनको साथ में ये समझाया कि देर इज़ नो सच थिंग एज स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते, मून लैंडिंग्स फेक होती हैं और ये जो तुम बड़े होकर बनना चाहती हो इसका मतलब है दैट यू आर लॉस्ट एंड तुम तो ये कभी कर ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर किसी का ये कहना कि तुम ये नहीं कर सकती हर बार मुझे गुस्सा दिलाता था कि मैं करके दिखाऊंगी। डटे रहने का एक ही तरीका है कि बस आपको आप में वो डिटर्मिनेशन और ग्रिट होना चाहिए। अब मैं सिर्फ ये सोच के आगे बढ़ती जाती हूँ कि आई डिडंट कम दिस फार टू कम ओनली दिस फार, कि इतना अरसा जो काम किया है वो ऐसे ही तो नहीं ख़त्म कर देना। मेरा एक्सपीरियंस 2525 के साथ बहुत अच्छा है। आई वुड अगेन से दैट वुमेन एम्पावरिंग अदर वुमेन्स डिफाइंस 2525। मैंने एक जगह बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी जो मैं सबको कहती हूँ कि स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप काबिलियत का होता है। आप जिस फील्ड में जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही कामयाबी मिलेगी।